सो गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ शरियाल अहमद और आज का मेरा व्लॉग है FAWV2 पे। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये है FAWV2। इसे पाकिस्तान में 2015 में अलहज ग्रुप ने इंट्रोड्यूस कराया था और ये एक चाइनीज कार है। ये गाड़ी 1.3 लीटर DOHC VCTI 16 वेल 4 सिलेंडर इंजन के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, लेकिन ये कार सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी वैगनार और टोयोटा विट्स की तरह मार्केट में अभी तक वार्मली वेलकम नहीं की गई। ये कार अलॉय रिम्स, इमोबिलाइजर, ड्यूअल एयरबैग्स, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो कि एक लोकली असेंबल्ड कार में मौजूद नहीं होते। जहां तक इस कार के एसी की बात है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस कार का एसी किसी चाइनीज प्रोडक्ट की तरह नहीं है, बहुत बेहतरीन है और अच्छी कूलिंग करता है। इंटीरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट जैपनीज कार की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ी सी, बस 19-20 का फर्क आप कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के हिसाब से ये गाड़ी बहुत बेहतरीन गाड़ी है, यानी कि आप कम पैसों में एक लग्जरी कार बाय कर सकते हैं। पावर विंडोज का जो मास्टर कंट्रोल सिस्टम है वो आपको इस गाड़ी के गियर के पीछे मिलेगा, जो कि 1996 से लेकर 2000 तक आने वाली मर्सिडीज की कॉपी किया गया है। ज़्यादा कि इसके इंजन की बात है, ये गाड़ी जो है 1300 cc है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इस गाड़ी के इंजन का जो इमिशन स्टैंडर्ड है वो यूरो 4 है और बेसिकली ये 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के गियरबॉक्स के साथ असेंबल हुई हुई है। न्यू टेक्नोलॉजी का इंजन होने की वजह से इस गाड़ी की माइलेज 13 किलोमीटर पर लीटर है विद AC शहर के अंदर, जो कि बहुत हैरत अंगेज बात है, क्योंकि इतनी माइलेज 1000 cc की गाड़ी भी AC के साथ नहीं दे पाती अगर देखा जाए तो। चलिए तो इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि गाड़ी कैसी है चलने में। मतलब अच्छा, बहुत से लोगों का मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता चलूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये चाइनीज़ गाड़ी है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार नहीं है। बिल्ड क्वालिटी तकरीबन जैपनीज़ कार की तरह ही है और लोकली असेंबल्ड कार से बेहतर है। बस 19-20 का फ़र्क होगा इसकी बिल्ड क्वालिटी में और जैपनीज़ की बिल्ड क्वालिटी में। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि इसके जो वाइपर्स और हेडलाइट्स का जो सिस्टम है वो उल्टा है। मतलब आपको राइट हैंड साइड पे जो है वो वाइपर्स की सेटिंग मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लाइट्स की एडजस्टमेंट मिलेगी। बाकी इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो एवरेज है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर स्क्रीन भी लगवा सकता हूँ। और सस्पेंशन तो बस इसकी ऐसी है कि मतलब पता नहीं चल रहा कि मैं किसी मतलब चाइनीज़ कार में बैठा हूँ। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में एक बदनामी फैली हुई होती है ना कि मतलब चाइना की प्रोडक्ट है, ख़राब होगी, ये होगा, वो होगा। मतलब और जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है, मतलब आप जैपनीज़ कार को अगर स्पीड ब्रेकर से गुजारते हैं तो वो बहुत ज़ोर से लगती है स्पीड ब्रेकर पर। इस कार की ख़ास बात यह कि ये स्पीड ब्रेकर पर बिल्कुल भी नहीं लगती। अभी मैं आपके सामने ड्राइव कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी एक ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मैं किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट के अंदर बैठा हूँ। बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके ये कार को बनाया गया है। इस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो बेसिकली 4th जनरेशन होंडा सिटी से कॉपी किया गया। और जहाँ तक बात इस गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स की है, तो इस गाड़ी में एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी में नहीं देखा। जो 10th जनरेशन होंडा सिविक है उसके अंदर ये फीचर इंट्रोड्यूस कराया है, EDB, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अब उसके बाद मैंने इस कार में देखा है। और इसका फीचर ये होता है कि मतलब ये ABS ब्रेक्स के साथ काम करता है। मतलब जब गाड़ी आप भगा रहे हैं गाड़ी को और आपने इमरजेंसी ब्रेक प्रेस किया, तो होता ये है कि जो गाड़ी के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है वो चारों व्हील्स पर डिवाइड होता है
और चारों व्हील्स पर डिवाइड होता है और उससे फिर गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है, मतलब गाड़ी स्लिप नहीं होती ब्रेकिंग के टाइम। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बंदा सिक्योर रहता है, और अगर गाड़ी में फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन फीचर है। और गाड़ी क्योंकि स्लिप नहीं होती और चारों व्हील्स पर डिवाइड हो जाता है इसका प्रेशर, तो इसीलिए इसको ईडी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी बेहतरीन है ये गाड़ी। अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।